फ्रेंड्स, इस दुनिया में परिंदे हर किसी को पसंद होते हैं। हर किसी को परिंदों से प्यार होता है। बहुत से लोग इनको अपने घरों में पालना भी पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत और फ्रेंडली नेचर के होते हैं। लेकिन जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, परिंदों की आबादी इसी रफ्तार से कम हो रही है। मोबाइल टावर के रेडिएशन की वजह से बहुत से परिंदे अपनी जान गंवा देते हैं। हाल ही में 5G नेटवर्क की टेस्टिंग के दौरान हजारों परिंदों की जान चली गई थी। अगर जल्द ही इन परिंदों की देखभाल के लिए कुछ इंतजामात नहीं किए गए तो फ्यूचर में इन परिंदों को देखना एक ख्वाब ही होगा। फ्रेंड, दुनिया में आप लोगों ने बहुत सारे परिंदे तो देखे ही हुए होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे परिंदे दिखाने वाले हैं जो कि इस दुनिया में तादाद के लिहाज से बहुत कम लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये ऐसे परिंदे हैं जिनको आप में से बहुत से लोगों ने पहले कभी नहीं देखा हुआ होगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वोगेल कॉप बर्ड। इस परिंदे को जन्नत का परिंदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये परिंदा अपने खूबसूरत परों और बेहतरीन डांस की वजह से मशहूर है और सिर्फ दुनिया में वेस्टर्न गिनी के जंगलों में पाए जाते हैं। इन परिंदों की लंबाई 36 इंच तक हो सकती है और इनका वजन 600 ग्राम तक बढ़ सकता है। परिंदों की फैमिली में ये एक ऐसा अनोखा परिंदा है जिसके पर गोलाई में खुलते हैं, जिन्हें ये डांस करते समय कॉल देते हैं और एक घेरा बना लेते हैं। ये परिंदे डांस इसलिए करते हैं ताकि अपनी फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अल्लाह ताला के इस खूबसूरत तहलीक के लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। शोबिल स्टॉर्क। अभी हम बात करते हैं शोबिल स्टॉर्क के बारे में। इस वीडियो में जिस जानवर को आप देख रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि एक परिंदा है जिसकी चोंच देखकर आपको हैरानी हो रही होगी। इस परिंदे का नाम शोबिल स्टॉर्क है जो कि अफ्रीका के मुल्क सूडान में ज्यादातर पाए जाते हैं। इस परिंदे को अरबी में अबू मरकब के नाम से जाना जाता है। इनका वजन तकरीबन 8 किलोग्राम तक हो सकता है और इन परिंदों की लंबाई 5 से 6 फीट तक हो सकती है, जो कि एवरेज आम इंसान से भी ज्यादा है। इन परिंदों को मछलियों का शिकार करना बहुत पसंद होता है, इसीलिए ये अफ्रीका के ऐसे इलाकों में भी पाए जाते हैं जहाँ पर जंगलों में दरिया का पानी बहता हो। इन परिंदों के बारे में ये भी बहुत ज्यादा मशहूर है कि ये अपना शिकार किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ते। एक कड़वा सच हम आपको बताते चले कि इन परिंदों की तादाद बहुत कम रह गई है। लेडी एम हर्स्ट पेसेंट। इसकी तरह के खूबसूरत परिंदे आपने बहुत ही कम देखे हुए होंगे। ये परिंदा चाइना में बहुत ज्यादा पाया जाता है। चाइना में पाया जाने वाला ये परिंदा बाकी परिंदों से बहुत खूबसूरत माना जाता है, इसी वजह से इसको खूबसूरत परिंदों की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये परिंदा 100 से 120 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है और सिर्फ इसकी दुम ही 80 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। इनके जिस्म पर हमें मुख्तलिफ रंगों के पर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, और इन्हीं रंगों की वजह से ये परिंदा बाकी परिंदों की नस्बत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। इन परिंदों में कौन सा परिंदा आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत और अनोखा लगा, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।